मतदान की तस्वीरें हैं और साथ ही साथ खास लोग जब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो लोगों से कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट कीजिए। बीजेपी नेता जनरल वीके सिंह से इंडिया न्यूज ने बातचीत की है, उन्होंने कैसे वोट डालने के लिए लोगों को इंस्पायर किया, एक बार सुनिए। वीके सिंह ने अभी वोट डाला है, अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार देख रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। सर, वोट डाला है, दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे वोटर्स से? नहीं, वोटर्स को कहेंगे कि आइए अपने हक का इस्तेमाल करिए, अपना जनप्रतिनिधि चुनिए और एक ऐसी सरकार चुनिए जो देश को आगे लेके जाए। सर, हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं चेंजेस तो गाजियाबाद में दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोकल इश्यूज हैं जिनको लेकर लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं। देखिए, लोकल इश्यूज तो होते हैं जिसके ऊपर नाराजगी भी होती है और एक दायरा होता है अलग अलग चीज़ों का, और मुझे पूरी आशा है कि इस दायरे को ठीक करने के लिए जितने हमारे अलग अलग लेवल पर जनप्रतिनिधि हैं वो उसके लिए काम करेंगे। इस बार किसी और को मौका जो है गाजियाबाद से दिया गया है, आपको टिकट नहीं मिला है, इसको लेकर समाज में थोड़ी नाराजगी नजर आ रही है, राजपूत समाज में इसको लेकर कैसे? देखिए, मैं तो अभी बाहर था तो मुझे नहीं पता कि क्या नाराजगी है क्या नाराजगी नहीं है, और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी उनकी नाराजगी है पार्टी ने कोशिश की उसको दूर करने की, आशा है कि वो सब ठीक हो जाएगा। सर, फर्स्ट फेज में हमने देखा था वोटर टर्नआउट जो है वो कम था और इस बार भी अभी पहले घंटे में तो बहुत लोग आए लेकिन अब स्लो हो गया है, तो वोटर्स को क्या मैसेज देना? तौर पे जो है पूरे दिन स्लो चलता है, शुरू शुरू के अंदर सुबह सुबह जब ठंडक होती है, आज तो वैसे भी फॉरकास्ट ये है कि टेम्परेचर जो है 40 डिग्री तक जाएगा, तो इसलिए लोग बाग धीरे धीरे निकलेंगे। सर, आपकी बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, गाजियाबाद की बात करें तो आपको बहुत भरपूर प्यार जो है वोटर्स का मिला है, इस बार क्या लग रहा है अतुल गर्ग जी को उतना प्यार मिल पाएगा? वो तो अतुल गर्ग जी बताएंगे, मुझे तो अभी भी मिल रहा है, मिलता रहेगा। ठीक है, मैम से भी एक रिएक्शन लेंगे। मैम, आपकी बार 400 पार का नारा जो है बीजेपी दे रही है, क्या लग रहा है कि ये मकसद पूरा हो पाएगा? देखिए, कोई भी लक्ष्य लेके पार्टी चलती है, अगर मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है तो वो लक्ष्य हमेशा पूरा होगा, तो 400 पार। सर को टिकट नहीं मिला है उसको लेकर? उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि पार्टी का फैसला था, जो उन्होंने ठीक समझा वो किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे जनरल वीके सिंह को, सिटिंग एमपी हैं गाजियाबाद से और साफ तौर पर आरजू सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली। महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा कहे उन्हें, बीजेपी के उम्मीदवार गौतम बुद्ध नगर से, लगातार 2 बार जीत चुके हैं, 3री बार हैट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बात की उनसे। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा है। सर, लगातार हम देख रहे हैं फर्स्ट फेज में वोटिंग कम हुई और अब सेकंड चरण का मतदान जारी, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, 3री बार देश की जनता, प्रदेश की जनता